तो आज यानी कि एक बार फिर हम बनाने वाले में एक मोमेंट्स की रेसिपी को रिक्रिएट करने वाले हैं एकदम बढ़िया वाली तरीके से तो आज हम उनकी रेसिपी को कौन सी रिक्रिएट करने वाले हैं मैं बताती हूँ <laughs> आज हम बना रहे हैं उनकी कॉफ़ी पाउडर मतलब कॉफ़ी पाउडर भी बनाएंगे फिर उसका टेस्ट भी करेंगे है ना उन्होंने क्या करा था ना कॉफ़ी पाउडर बना के टेस्ट करवाया था ना तो यार सब ने कहा था यार इसमें कॉफ़ी नहीं है लग ही नहीं रहा यार मतलब इतना सब कानों में पढ़ने के बाद तो मेरा तो मेरा मन कर ही गया मैंने कहा बनाना तो बनता ही है यार एक बार मतलब रहा नहीं गया मुझसे कि यार इतना सुन चुके हैं अब तो बना बना ही लेते हैं देखी तो जरी कि यार क्या दम है या नहीं है एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना तो यहाँ पे ना उन्होंने यूज़ करा था काबुली छोले का मेरे मैं, मैं भी सुन के यार थोड़ा सा मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि यार छोले से कैसे तो उन्होंने क्या करा था ना ये छोले होते हैं ना काबुल इसके पानी को एक्वा फ़ाबा कहते हैं तो वही वाले छोले यहाँ पे मैंने लिए हैं <laughs> तो पता है एक्वा एक्वाफ़ाबा के ना मतलब इसके पानी से तो मैंने क्रीम बनाई थी उसका वीडियो मैं ना शेयर जरूर करूँगी तो ज़रूर से देख लेना चैनल में सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर जरूर से समझ रहे हो ना समझ रहे हो ना बस यही तो यहाँ पे ना जो काबुली छोले हैं ना उनको उन्होंने क्या करा था सबसे पहले रोस्ट कर लिया था और रोस्ट नहीं उन्हें पूरा ऐसे जला डालना है पूरा <laughs> मतलब नहीं मजाक कर रही हो बिल्कुल ब्लैक नहीं करना है और ये ध्यान रखना है आपको उसे मीडियम फ्लेम पे ही करना है हाई फ्लेम पे नहीं मीडियम फ्लेम पे करना और ऐसे ऐसे है ना पहले स्पॉट आने लग जाएंगे एकदम ब्राउन होना चाहिए ऐसा नहीं करना कि ये पूरा जल जाए ऐसा नहीं करना नहीं। है ना जैसे ये हो गया ना इतने में भी काफ़ी नहीं है अभी और करना है <laughs> फिर देख सकते हो ये हो गया अभी भी काफ़ी नहीं है बहुत बहुत चलेगा अभी तो चिंता मत करो <laughs> तो इसको देखो जैसे मैं ना स्किप कर रही हूँ यार अब इतना तो यार मेरा कैमरा हीट हो जाएगा भयंकर वाला ओवर हीट बोलने लग जाएगा वो <laughs> उससे पहले उसको मैंने साइड में कर दिया उसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके ना दिखा रही थी बिल्कुल आपको ना ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करना है ऐसे मीडियम फ्लेम पर करना है यार क्या ही दिक्कत है कौन सी ट्रेन छूट रही है हाँ है ना अभी यहाँ पे भी ना ये देखो ये स्टेज पक्की है बिल्कुल बढ़िया है है ना यहाँ तक आपको इसे पकाना है अब देख सकते हो ये बिल्कुल जले नहीं है एकदम ब्राउन हुए हैं लो फ्लेम पे करें तो आराम से हो जाते हैं है ना और फिर मैंने इसको उन्होंने क्या करा था ना ग्राइंडिंग जार में डाल दिया था अब चलिए गिरते गिरते रहते हैं हमारे छोले गिरते रहते हैं चिंता मत करो फिर उन उन्होंने ग्राइंड कर लिया था अच्छे से और यार पता है ग्राइंड करने के बाद यार क्या कॉफ़ी लग रही थी यार ये बिल्कुल कॉफ़ी वाला पाउडर लग रहा था क्योंकि खुशबू भी अच्छी खास आई गई थी तो फिर भी मुझे अभी भी शक था कि यार देखें तो सही कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभी जी <laughs> मैंने अच्छे से इसको ना घुमा डाल के घुमा डाल के इसको निकाल लिया और अब ना मुझे पहले मैं सोच रही थी थोड़ा सा ही बनाऊंगी पर अब थोड़ा बनाते तो यार मिक्सी में पिस्ता कैसे <laughs> है ना <laughs> तो इसलिए मैंने ना तो मैं आपको ये भी बता दूंगी आपके थोड़ा आप भी थोड़ा बनाना चाहते हो ना तो यार चिंता मत करो ये बिल्कुल पास है देखो मैंने अभी बता दिया है तो वीडियो को एंड तक देखना यार ज़रूर से देखना इसके मत करना है ना देखो मैंने इसको ना छान लिया था उन्होंने भी छान लिया था मतलब वो ना इतनी जल्दी से प्रोसेस बता देती ना इसको मतलब ऐसे रोस्ट करना है ऐसे छान लेना है और बस ये कॉफ़ी पाउडर तैयार है इतनी जल्दी उन्होंने बता दिया था ना और उससे बड़ा वीडियो तो मैंने डाल दिया है क्योंकि आप उल्लू के पट्टे क्योंकि मुझे ना फुल उनका वो जो रिग्रेट करा था मैंने उसका रिज़ल्ट पूरा मुझे ना अच्छे से शेयर करना था इसलिए मैंने ऐसे करा है ना अब देखो इसको मैंने अच्छे से छान लिया था ये छन नहीं रहा था यार मतलब बहुत देर हो गई थी <laughs> तो मैं ऐसे हाथ घुसेड़ घुसेड़ के इसको छान दी और ये छन गया था आराम से फिर नीचे का पाउडर बिल्कुल बारीक है छन्नी आप मैं आपको रिकमेंड करती हूँ बीच वाली छन्नी लेना बिल्कुल बारीक की भी जरूरत नहीं है और बिल्कुल मोटे की भी जरूरत नहीं है बिल्कुल मोटा लोगे ना तो क्या होगा आप कोल्ड कॉफ़ी वगैरह बनाओगे ना तो दाने ना पिसेंगे नहीं पूरे वो नीचे रह जाएंगे इसलिए पाउडर होना भी बहुत ज़रूरी है अगर बारीक से छानोगे तो यार क्या ही कहना है उसका तो आराम से घुल जाएगी दूध में और बस कोल्ड कॉफ़ी बन के रेडी हो जाएगी बात तो सही है है ना तो मैंने तो ना बीच वाली छन्नी से छान लिया था क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था कि इतने बारीक से ऐसे लपेट लपेटते 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 लपेट छानेंगे <laughs> नहीं ना यार तो बीच वाली छन्नी से छान लो है ना देख सकते हो इतनी देर तक मतलब कितने आराम से ना एक दो मिनट तो आराम से लगे गए होंगे मुझे है ना कि तीन मिनट अभी चार मिनट हो चुके हैं हो गए वीडियो में <laughs> तो ये देख सकते हो ये कॉफ़ी पाउडर बन के रेडी है इस रिजल्ट बहुत अच्छा आया था इसलिए ज़रूर से देखना इसके मत करना तो ये मैंने ना कॉफ़ी में मतलब एक कटोरी में डाल दिया था अब इसको है ना आप फ्रिज में स्टोर करना उन्होंने फ्रिज में ही करा था मैंने तो दिखा दिया यार अभी स्टोर तो मैं करूँगी अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रख के अभी तो बस ऐसे दिखा दिया चल नहीं दिया है ना बस ऐसे सर्व करके दिखाना था क्योंकि इसका ही मैं अलग से वीडियो भी बनाऊँगी है ना शॉर्ट में मेटो है <laughs> तो ये देख सकते हैं कॉफ़ी पाउडर रेडी है अब इसका टेस्ट करने का टाइम आता है <laughs> फाइनली तो अभी भी तो मेरे चम्मच आ रहे हैं इसमें <laughs> अभी तो थोड़ा इस, इसको ऐसे गिरा गिरा के दिखाऊंगी ताकि अच्छा लगेगा <laughs> है ना तो मैंने क्या करा था ना अब यार देखो सातवेंक बहुत हो गया कॉफ़ी पाउडर बिल्कुल सातवे बन ही गया है अब यार क्यों ही कोल्ड कॉफ़ी हमें सातवें बनानी है है ना यार सही बात है ना इतना भी क्या ही काम का सात्विक <laughs> नहीं नहीं यार ये बात नहीं है अब मेन बात तो ये थी मेरे पास खजूर नहीं थे नहीं तो मैं जरूर से सात्विक बनाती अब मैंने कहा यार खजूर नहीं है कुछ भी नहीं है गुड़ भी नहीं है तो यार उससे बढ़िया तो मैं जैसे बनाते ना कॉफ़ी वैसे बना लेती हूँ तो दूध में मैंने अच्छे से बर्फ़ डाल दी थी है ना और फिर उसमें कॉफ़ी पाउडर डाल दिया था और चीनी डाल दी हाँ चीनी सात्विक नहीं है बिल्कुल भी नहीं है पर अब क्या ही कर सकते हैं है ना कॉफ़ी पाउडर बिल्कुल साथ था बाकी तो कॉफ़ी मैंने ठीक ठीक बना ही ली थी ग्लास को मैंने वैसे ही डेकोरेट करके रख ही दिया था पहले से ही अब क्या ही करना है उसको स्टोर करो टेस्ट वाइज तो कहना ही क्या है यार मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी लग गई थी ना यार मेरे दिल को छू गई है कॉफ़ी सही में बहुत टेस्टी बन गई थी कॉफ़ी कॉफ़ी लग रही थी यार मतलब मैं क्या ही कह सकती हूँ अब उसके बारे में कॉफ़ी से अलग बिल्कुल भी नहीं थी ये कॉफ़ी थी यार ये पूरी कॉफी थी कौन कहेगा ऐसे उसमें कॉफ़ी नहीं है सही में तो यार उनकी रेसिपी यार अब तो यार महान है मुझे बहुत पसंद आ रही है यार तो यार मैं आपको रिकमेंड करती हूँ आप बना के देखो वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप ऐसे ही लो फ्लेम पे चने को से मत छोलों को सेकोगे ना और फिर उसको ग्राइंड करोगे उतना ही सीखोगे जितना मैंने सीखा है या नहीं मैंने नहीं उन्होंने सीखा है <laughs> तो बस आपकी रेसिपी परफेक्ट बननी है तो यार यहाँ पे ना आपको उन्होंने क्या करा था ना कॉफ़ी जब बनाई थी ना उसमें कोकोनट मिल्क का यूज़ करा था तो बिल्कुल आराम से वो ले सकते हो पर अगर नहीं लेना हो ना तो यार अपनी दूध सदा बाहर है है <laughs> ना वो लेना और बस इंजॉय करना अब आपको करना ही क्या है ना यार टी वाइज मैं कुछ नहीं कह सकती इतना अच्छा था तो लाइक सैन सब्सक्राइब चलो बाय 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 टाटा खत्म अब मैं गाना शुरू कर रहा हूँ म्यूज़िक